हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बांसवाड़ा के अंदर, अर्थुना गांव है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। काफ़ी अच्छा और पुराने वहां पे शिव मंदिर, जैन मंदिर ये देखने को मिलते हैं। और आपने जो पढ़ा है स्टार्टिंग में कि क्यों राजा वहां पे खाना खाने से पहले शिव मंदिर बनाते थे, वो सारा हम वहां पे जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बस ये फ्रेंड्स पहुंचने वाले हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से हमें अंदर जाना होगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं अर्थुना के अंदर, जो पुराने काफी पुराने मंदिर बने हुए हैं और काफी टूट भी चुके हैं, ऊपर से बिल्कुल टूट चुके हैं। वहीं यहाँ पे देख रहे हैं अभी, मैं चल जाता हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अभी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये शिव मंदिर है, यहीं से ऊपर जाएंगे, सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और काफ़ी पुराने मंदिर हैं, देखते हैं ऊपर जाके मंदिर किस प्रकार से बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, पत्थरों के ऊपर जो बना रखी है, ये जो पेंटिंग कर रखी है, काफ़ी सुंदर है। ये जैसे इस पिलर के ऊपर देखिए शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, ये शिवलिंग है। और यहाँ पे मूर्ति बना रखी है, बैठे हुए हैं जो पूजा कर रहे हैं। काफ़ी खंडहर भी हो गया है ये मंदिर। ये देखिए यहाँ पे सारे नीचे पड़े हुए हैं ऐसे ही पत्थर, जो कि टूट चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं। चलिए मंदिर के अंदर भी चलते हैं। ये है शंकर भगवान का वाहन नंदी, और जो भी खंडहर हो चुका है, जिनका सिर तो है भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, काफी पुराना मंदिर है। ऊपर जो देखिए की जो कटिंग कर रखी है, डिजाइन जो बना रखी है, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है ये। पिलर्स के ऊपर भी देखिए काफी अच्छी मूर्तियां बना रखी है। और लॉक लग रहा है, बट अंदर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। दो शिवलिंग है, आगे छोटे भी शिवलिंग बने हुए हैं और बड़े भी हैं ये। और ये देखो पिलर्स और दरवाजे के बाहर की तरफ जो बने हुए हैं, इन दीवारों पे जो मूर्तियों की तरफ से जो कर रखा है कारीगरी, बहुत ही अट्रैक्टिव कारीगरी कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, पूजा भी कर रखी है, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। और जगह जगह पे बिखरे हुए पड़े हैं काफी, जो टूट चुके हैं मंदिर, उनके अवशेष जो देख रहे हो आप, बिखरे हुए पड़े बिल्कुल। पहले शायद इधर भी मंदिर हुआ करते थे, जो कि अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मूर्तियाँ टूटी हुई मूर्तियाँ जरूर नज़र आ रही है, देखिए जैसे सामने पत्थर पे ही बना रखी है पूरी। सामने भी चलते हैं फ्रेंड्स, सामने भी मंदिर है
वहां पर भी देखते हैं कैसा मंदिर है वो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है लेकिन मूर्ति या कुछ भी नहीं है अंदर। इस दो मंदिर और भी बने हुए हैं इधर, इधर कुछ हो तो वो भी देख लेते हैं। मंदिरों में कुछ भी नहीं है, खाली है। देखिए आप, ये निशान जो है शिवलिंग का, ये ज़रूर बना हुआ है लेकिन मंदिर के अंदर, इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। ऊपर ये देखिए गणपति की स्थापना भी कर रखी है, पत्थर के बीच में आकृति बना रखी है। इधर भी ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर भी अंदर देखिए ये शिवलिंग स्थापना जरूर कर रखी है लेकिन अभी अंदर है नहीं है। उसके जो निशान है वो बना हुआ है देखिए आप। और पीछे की तरफ ये डैम है, पूरा तालाब है इनका, इसी गांव का, अर्थुना गांव है ये, तो मैंने बताया था जैसे अर्थुना गांव का ये डैम है पूरा। देखिए दोस्तों, मंदिर काफ़ी सुंदर और अच्छे बने हुए हैं बट खंडहर हो चुके हैं पूरी तरह से। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा उस आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ भी काफ़ी एक ही जगह पर बहुत सारे ऐसे शिव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और वो सारे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है और बाहर बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शिलालेख पे मेंशन भी कर रखा है अर्थुना के जो मंदिर बने हुए हैं वो प्राचीन 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य परमार शासकों की राजधानी थी। उन्होंने यहाँ पे जैन मंदिर और शिव मंदिर काफ़ी बना रखे हैं, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये देखिए एक ही जगह पर काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, शिव मंदिर। चलिए मैं आपको नज़दीक जाके भी देखते हैं सारे कुछ मंदिर जो बने हुए हैं, किस तरीके से बने हुए हैं और कैसे बने हुए हैं मंदिर। और काफ़ी यहाँ पर दर्शनार्थी और पंडित जो कि पूजा करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए काफ़ी खंडहर भी हो चुके हैं किसी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इतना बड़ा शिवलिंग स्थापित कर रखा है, पूजा भी कर रखी है यहाँ पे। और देखिए आप, काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ आए हुए हैं और जगह जगह काफ़ी मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। करीब ऐसा लगता है कि 9 से 10 मंदिर तो इसी परिसर के अंदर बने हुए हैं और सारे शिव मंदिर हैं, छोटे बड़े इस प्रकार से, काफ़ी पुराने भी हैं। और देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं ये, एक ही जगह पर सारे शिव मंदिर स्थापित कर रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ है इन मंदिरों के बीच में, काफ़ी बड़ा कुंड बना हुआ है। और मंदिर भी काफ़ी टूटे हुए मंदिर हैं मतलब यहाँ पे। और भी चलते हैं आगे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप, ये इसके चारों तरफ मतलब सिर्फ पिलर खड़े हैं और ऊपर छत लगा रखी है बट आसपास और कुछ भी नहीं है। ये देखिए बड़ा सा दरवाज़ा भी बना रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं और ये नंदी जो शंकर भगवान का वाहन है। और ये देखिए आप, ये मंदिर के अंदर पानी भरा हुआ है और अंदर शिवलिंग है। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, देखिए आप, अंदर शिवलिंग है और पानी से भरा हुआ है ये मंदिर,
काफ़ी अमेजिंग मंदिर लग रहा है, काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर भी है। फ्रेंड्स, इस परिसर के अंदर मंडलेश्वर शिवालय मुख्य हैं, इसके अलावा विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी का, महावीर की मूर्तियां, जैन मंदिर मतलब, और काफ़ी ऐसे छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छे मंदिर भी हैं, और काफ़ी यहाँ पे पूजा पाठ भी होती है, पंडित जी भी काफ़ी आए हुए हैं, और दर्शनार्थी भी दर्शन करने के लिए आए हैं, और कोई भी अपनी मन्नत यहाँ पे मांगता है तो वो पूरी भी होती है। चलिए, जो यहाँ पे हनुमान मंदिर बना हुआ है वो हम देखते हैं, और वहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये है हनुमान मंदिर, चलिए यहाँ पे हम पंडित जी से भी बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पंडित जी हैं हमारे साथ, इनसे जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये कितना पुराना है पंडित जी? ये 11वीं शताब्दी का है। अच्छा जी। ये पहले अमरावती नगर था जी, इसके बाद ये अमरावती नगर हट के इन लोगिया से अहमदाबाद चले गए, इसके बाद में अर्थुना नाम रखा गया, और राजा जो था यहाँ का शिव भक्त था जी, जी। तो उसका एक मंदिर, शिव का मंदिर बना के ही भोजन ग्रहण करना ऐसा नियम था। अच्छा। जो राजा का नाम था पांडुकर, और ये तोड़फोड़ जो की थी वो मोहम्मद गजनबी ने की थी। अच्छा। इस राजा के पास पारस था, जो जो क्या नाला जा रहा है उस नाले में उसने पत्थर को, पारस को डाल दिया, बाद में हाथी वगैरह भी डाले उस पारस को ढूंढने के लिए। तो हाथी की एक कड़ी पे लगा, सर्कल पे, उसके बाद उस पारस का पता नहीं लगा, जो ये मोहम्मद गजनबी ने तोड़फोड़ करते हुए तलवाड़ा तक निकल गया। ये अच्छा। ये 11वीं शताब्दी का मंदिर। धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे मंदिर यहाँ पर, अनबिलीवेबल, इतने सारे मंदिर, मतलब विश्वास नहीं होता, जहाँ देखें वहाँ मंदिर नज़र आता है, सारे के सारे शिव मंदिर है ये। देखिए आप, जिधर देखें, जिधर नज़रें जाएं उधर मंदिर ही मंदिर नज़र आते हैं। जैसा पंडित जी बता रहे थे कि भोजन करने से पहले यहाँ के जो राजा थे वो शंकर भगवान शिव जी की पूजा करते थे, काफ़ी बड़े भक्त थे वो। देखिए, ये भी शिव मंदिर है, अंदर बहुत बड़े शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। और आप इस तरफ देखो तो भी मंदिर नज़र आते हैं। ये सारे मंदिर जैसा पंडित जी बता रहे थे, और वहाँ लिखा हुआ भी था शिलालेख पे कि 11वीं व 12वीं शताब्दी के मंदिर रही है, मीन्स हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि काफ़ी पुराने मंदिर रही है। और देखिए, ये मंदिर बने हुए थे वो भी, जैसे मुगल शासक जो थे उन्होंने सारे मंदिर पर आक्रमण करके सारे तोड़ दिए। ये सारे जो नीचे देख रहे हो आप, पत्थर पड़े हुए हैं, ये सारे पत्थर नहीं, ये सारे मंदिर के ऊपर लगे हुए ही थे, वो सारे टूट चुके हैं। देखिए, पत्थरों के ऊपर जो पेंटिंग कर रखी है वो भी हम देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि मंदिर बना रखे थे और वो तोड़ दिए गए हैं। जैसा ये पास में तालाब भी बना हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है फ्रेंड्स ये, और काफ़ी पुराने मंदिर है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और
यहाँ पर एक या दो मंदिर ही ऐसे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी मंदिर है और सारे मंदिर अट्रैक्टिव है, अपने आप में एक अलग ही मतलब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अलग ही तरीके से। और सारे मंदिरों में शिव मंदिर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ छत के ऊपर खड़ा हूँ अभी मैं, यहाँ से देखिए सारे मंदिर जो हैं जो कि एक जगह पर बने हुए हैं, करीब ये 9 से 10 मंदिर यहाँ बने हुए हैं एक ही जगह पर, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और आसपास जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर भी काफ़ी मंदिर बने हुए हैं, वेरी अमेजिंग प्लेस है फ्रेंड्स। जैसा आपने देखा सारे मंदिर यहाँ पर काफ़ी शिव मंदिर बने हुए हैं, सारे हमने देखे थे करीब करीब, जो जो यहाँ पे बने हुए हैं अर्थुना गांव में वो सारे तालाब के किनारे, और जो ये मेरे पीछे देख रहे हो ये मंदिर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे 9 या 10 मंदिर बने हुए हैं टोटल शिव मंदिर। और काफ़ी गहरा एक शिव मंदिर तो जो देखा हमने कि पानी भी था उसके अंदर, शिवलिंग पूरे डूबे हुए थे। और पंडित जी भी जैसा बता रहे थे कि ये मंदिर सारे 11वीं सदी के, और यहाँ पर शिलालेख पर भी लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये मंदिर आपको कैसे लगे ये आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे हैं तो लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई टूरिस्ट पॉइंट पर एक नई जगह के साथ, फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।